नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा जी। आज हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी में जाने के संकेत मिल रहे हैं और ये संकेत खुद उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य ने दिया। आपको बता दें कि सांसद संगमित्रा मौर्य बीजेपी से है और वो अपने पिता को भारतीय जनता पार्टी में लाने के कयास में लगी हुई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के काफी कुछ हंगामा होता रहा है, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी में होगी घर वापसी, बेटी संगमित्रा मौर्य ने दिए संकेत। बदायूं से बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा कि वो अपने पिता और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर पार्टी में लाने का प्रयास करेंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर आने जा रही है। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी हो सकती है, मतलब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बात के संकेत खुद उनकी बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने दिए हैं। बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने अपने पिता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा है कि वो अपने पिता और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर पार्टी में लाने के प्रयास में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी दायित्व दिया है उसे पूरा किया जाएगा। बातचीत करते हुए संगमित्रा मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर पार्टी में आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें जो भी दायित्व दिया है उसे पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के मंत्री पद के साथ साथ बीजेपी से इस्तीफा दिया था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ अन्याय किया है। फिर वो इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के खिलाफ फाजिल नगर से चुनाव हार गए थे।